क्या हुआ, किस सोच में उलझे हुए हो? सुबह से एक बात परेशान कर रही है। कौन सी? इज इट अ मर्डर और सुसाइड? राकेश ने सातवें माले से कूद के खुदकुशी करी थी और मेडिकल रिपोर्ट से यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? हो सकता है किसी ने उसे धक्का दिया हो। अरे नहीं नहीं सर, जेब में से सुसाइड नोट मिला है, हैंडराइटिंग भी मैच हो गया है। वो बात नहीं है, वो सब तो मैंने अच्छे से देख लिया, किसी से झगड़ा, कोई दुश्मनी, वो सब तो हो चुका। ये केस उससे कई ज्यादा अलग है। ठीक है, बात यह है कि जब बॉडी को मेडिकल रिपोर्ट वालों के पास भेजा तो पता चला कि राकेश की जो मौत है वो कूदने से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई है। जब वो कूदा और छठे माले से पास हो रहा था तभी उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। ओह, सो दिस इज द केस ऑफ होमिसाइड देन, नॉट सुसाइड। लेकिन सर जानते हो यहाँ पे एक अजीब बात क्या थी? बिल्डिंग वालों ने उसी सुबह पांचवें माले पे एक सेफ्टी नेट लगाई थी किसी काम के चक्कर में, राकेश को कूदते हुए फिर दिखाई नहीं दी होगी। नहीं, खुदकुशी करने वाले आदमी का मानसिक संतुलन इतना हिला हुआ होता है कि उसे अपने आसपास की चीजों का एहसास नहीं होता। वो भी है, लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेडिकल एग्जामिनर्स को इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है। दूसरा केस है तुम्हारा, तजुर्बे के साथ समझ जाओ। अरे नहीं सर, बताइए ना, खुद खुशी करने वाला आदमी कूद के मरे या गोली से मरे, आखिर तो मरा ही ना, उसे तो मरना ही था। पांचवें माले पे नेट लगी थी ना, तो राकेश को अगर गोली नहीं लगती तो वो मरता नहीं। हाँ, घायल जरूर था लेकिन मरता नहीं। उसे एक नाकामी या कोशिश कही जाती खुदकुशी, लेकिन अब वो मरा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना पक्का निशाना किसका हो सकता है जो गिरते हुए आदमी के सिर के बीचों बीच गोली मारे। ये कोई साधारण आदमी की बात तो है नहीं। मुझे ये बताओ, छठवें माले पे क्या हुआ था? छठे माले पे एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं, मोहनलाल और सावित्री देवी। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं रहती, आए दिन उनका झगड़ा होते रहता है पैसों को लेकर, और आसपास वालों ने भी उनकी झगड़ने की आवाज कई बार सुनी है। ये जो पति है वो अपनी पत्नी को हमेशा एक शिकारी बंदूक से डराया करता था। बुढ़ापे में अक्सर लोग झगड़ा करते हैं। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये केस किस दिशा में जा रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ होगा और पति ने इस बार सच में गोली चलाई होगी पत्नी पे। अभी बुढ़ा है, गलती से उसकी गोली राकेश के सिर में जा लगी होगी। क्या तुमने पति को? नहीं सर, मैंने भी यही सोचा कि खून तो खून ही है, फिर वो पत्नी का हो गया राकेश का, और इसलिए मेरा शक भी पति की हो रही है। लेकिन वो दोनों बार बार एक ही चीज दोहरा रहे थे कि उन दोनों को पता नहीं था कि बंदूक में गोली है, और ये तो मोहनलाल की पुरानी आदत थी कि वो खाली बंदूक से अपनी पत्नी को डराया करता था। दोनों को ही पता नहीं था कि बंदूक में गोली थी, उस हिसाब से ये केस तो एक्सीडेंट का बन जाएगा। बड़ा ही पेचीदा मामला है, मुझे तो किसी हिसाब से ये केस एक्सीडेंट का नजर नहीं आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, गोली अगर उसी बंदूक से चली है और मौत हुई है तो जरूर किसी न किसी ने उस बंदूक में गोली डाली होगी। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुमने तहकीकात की?
किसने किया होगा? सामने वाली बिल्डिंग में एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसका ये कहना है कि उसने कुछ दिन पहले एक लड़के को बंदूक में गोलियां भरते हुए देखा था। इंटरेस्टिंग, कौन है ये लड़का? 100% यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा शक उनके बेटे पे जा रहा है। बेटा? मतलब बेटा ये क्यों करेगा? पूछताछ की तूने बेटे से? क्या था उसे? बेटा, वो बेचारा क्या कहेगा? चलिए मैं आपको पहले बेटे के बारे में बता दूं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बेटे की भी अपने माँ बाप के साथ कुछ खास जमती रही थी। ये बेटा भी अपने माँ बाप के झगड़े को लेके बहुत परेशान रहता था, और इसी वजह से उसे बचपन में डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हुई थी। अब माँ बाप के व्यवहार में सुधार न देखते हुए उसका उनके प्रति गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी खासकर अपने माँ के साथ तो जरा भी नहीं बनती थी, क्योंकि उसकी माँ उसकी शराब की लत से बेहद परेशान रहती थी। कौन सी माँ परेशान नहीं हो? क्षमा करिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसे शराब की लत अपने माँ बाप के वजह से लगी थी। और हाँ, एक और बात है, बैंक वालों से हमें पता चला है कि बेटे का अकाउंट काफी समय से मिल था। एक बात तो तय है कि इस परिवार को पैसों की दिक्कत थी, क्योंकि मोहनलाल और सावित्री देवी का झगड़ा भी पैसों के लिए ही होता था। वो तो है ही सर, लेकिन मुझे इधर मामला कुछ और नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो माँ थी वो अपने बेटे के रहन सहन और शराब की लत से परेशान रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से बेटे का अकाउंट डिल हुआ होगा। अब पैसे ना मिलने पर उसे अपने माँ बाप पे और गुस्सा आता होगा, और अपने माँ बाप का बर्ताव ध्यान में रखते हुए उसने बंदूक में गोलियां भर दी होगी। काफी चौंका देने वाली बात है अगर गौर से देखा जाए तो। बेटे ने एक तीर से दो निशान लगाए हैं। अब वाकई में क्या हुआ था ये तो सिर्फ बेटा ही बता सकता है। सर, as they say in the English language, as you sow, so shall you reap. असली चौंका देने वाली बात तो ये है। चलिए।